हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो है अरवी के पत्ते से एक बढ़िया रेसिपी तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ अरवी के पत्ते को धोकर जो है काट कर तैयार कर लिया है। साथ ही 2 कप चने दाल को जो है हमने पहले से फुला के रखी थी 1 घंटे पहले, वो ले ली है। ये देखिए दाल हमारी जो है बढ़िया फूल चुकी है। अब इसमें 1 चम्मच जो है करीब हम जो है नमक डालेंगे और 1/2 चम्मच करीब जो है हल्दी डालेंगे। उसके बाद जो है हम इसमें 4 कप करीब जो है पानी ऐड करेंगे। अरवी के पत्तों की ये रेसिपी अगर आप एक बार ट्राई कर लेंगे तो बार बार ऐसे ही बनाना जो है पसंद करेंगे। ये देखिए हमने 4 कप करीब जो है इसमें पानी जो है डाल दिया है। अब इसमें जो है हमने जो पत्ते अरवी के काट के रखे थे वो डाल देंगे। कटे हुए पत्तों को इसमें जो है पहले ही डाल देंगे हम जो है दाल के साथ पकाने के लिए। फिर उसमें 1 नींबू जो है हम जो है 1 नींबू का रस जो है निचोड़ देंगे, क्योंकि अरवी के पत्ते में जो है जो थोड़ी सी किनकनाहट सी होती है तो वो उससे जो है नहीं रहेगी, गला जो है उससे किनकनाएगा नहीं। यहाँ हमने कुकर में जो है 2 कप करीब पानी डाला है। बर्तन को जो है हम कुकर में रख देंगे, दाल को जो है पकने के लिए रख देंगे। तो आपकी रसोई में आपका स्वागत है। ये देखिए हमारी दाल जो है पककर जो है तैयार हो चुकी है। इसको बढ़िया जो है मिक्स कर लेंगे। यहाँ हमने जो है बघार के लिए लहसुन काट के रखे हैं, 6 से 7 कली लहसुन, 2 प्याज और हरी मसाला जो है हमने जिसमें पीस के रखा है, जिसमें 6 से 7 कली लहसुन की, अदरक और 6-7 हरी मिर्ची है। सबसे पहले तेल में जो है हम राई और जीरा डाल देंगे। जब जीरा अच्छे से पक जाए तो उसमें कटे हुए लहसुन डाल देंगे। लहसुन जब जो है ब्राउन हो जाए तो उसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को भी जो है हल्का हल्का ब्राउन होने तक पकाना है। देखिए प्याज हमने डाल दिए हैं। साथ ही इसमें जो हमने जो हरा मसाला तैयार किया था उसके जो है 2 चम्मच करीब हरा मसाला डालेंगे और अच्छे से जो है पका लेंगे। 2 से 3 मिनट करीब इसको जो है पकाना है। तो में आगे बने रहिए। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो उसके रिजल्ट जो अच्छे नहीं आएंगे रेसिपी के, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। ये देखिए जो है हमारा जो है प्याज जो है पक चुका है। अब इसमें जो है हम 2 चम्मच करीब लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच करीब जो है हल्दी डालेंगे। उसके बाद जो इसको अच्छे से जो है हम चलाएंगे मसाला पकने तक। देखिए आप में से कई लोग जो है मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन मुझे सब्सक्राइब नहीं करते। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक ज़रूर करिएगा। ये हमने 1 चम्मच करीब जो है अमचूर पाउडर डाला है। उसके बाद हमने जो है ये पकी हुई दाल और भाजी को जो है इसमें मिक्स कर दिया है और अच्छे से चला लेंगे। देखिए ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा और अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। साथ ही इस रेसिपी को अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। यहाँ देखो हमने 3 चम्मच करीब जो है गेहूं का आटा लिया है। इसकी जगह हम जो है बेसन भी ले सकते हैं। यह है इस वीडियो की जो है स्पेशल ट्रिक्स है, तो इसे फॉलो ज़रूर करें। इसको डालने से क्या होता कि वो आपने देखा होगा कि दाल और भाजी जो है अलग अलग हो जाती है, तो इसका जो घोल हम जो डाल देते हैं तो उससे जो है बिल्कुल जो है एक सी इसकी जो है कंसिस्टेंसी जो रहती है। ये देखिए ये थोड़ा पक जाएगा, 2 मिनट बाद जो है इसकी कंसिस्टेंसी देखिएगा, बहुत बढ़िया हो जाती है। दाल और भाजी बिल्कुल जो है मिक्स हो जाते हैं आपस में। ये देखिए पकने के बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए। ये देखिए हम लोग इसे जो है दाल भाजी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।